अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान बरजी आप लोग देख रहे हैं यूनिवर्सल फ़िज़िक्स इससे पे पहले हम लोगों ने नोमरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं तकरीबन सिक्स नोमरिकल हो चुके हैं सातवां नोमेरिकल प्रॉब्लम है इसको हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारे पास इन अ रिपल टैंक वन ट्वेंटी वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन फिफ्टीन सेकेंड क्वेश्चन को लिख लेते हैं नोमेक प्रॉब्लम नंबर सेवन हमारे पास क्या है इन इन अ रिपल टैंक इन अ रिपल टैंक कोई रिपल टैंक है इन अ रिपल टैंक वन ट्वेंटी 120 वन ट्वेंटी वेव्स पास थ्रो पास थ्रो Pass a point kissy point se a point a point in fifteen seconds in fifteen seconds. Calculate the frequency and time period calculate calculate the frequency and टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करना है ऑफ़ वाटर वेव्स जो वाटर वेव्स इसने दी है इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ़ वाटर वेव्स ऑफ़ वाटर वेव्स ओके कैलकुलेट करते हैं हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था सेवेंथ सोल्यूशन में आप लोग जानते हैं गिवन डेटा गिवन डेटा में हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स है 120, कितने सेकेंड में पास हो रहे फिफ्टीन सेकेंड में कैलकुलेट क्या करना चाह रहा है फ्रीक्वेंसी और दूसरा हमारे पास टाइम पीरियड तो लिख लेते हैं हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ वेव्स इन 15 सेकेंड्स नंबर ऑफ वेव्स नंबर ऑफ वेव्स नंबर ऑफ वेवस इन फिफ्टीन सेकेंड्स इन फिफ्टीन सेकेंड्स दैट इज वन ट्वेंटी इसी तरीके से नंबर ऑफ वेब्स इन वन सेकेंड तो एक सेकेंड में कितना होगा ये फिफ्टीन या फिफ्टीन को यहां पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फिफ्टीन यू कैन से कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी था फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थी आ, वैसे गिवन डेटा में पहले लिख लेते हैं इन वन सेकेंड में कितनी होंगी दिस ठीक इसको वैसे हम लोग नाम दे देंगे कैलकुलेशन में टू तो फाइंड हम लोगों ने वैसे कर, करना था फ्रिक्वेंसी तो चले पहले लिख लेते हैं इसको हम लोग उसी तरतीब से लिख लेते हैं कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी न ट्वेंटी वेव है तो कैलकुलेशन में टू फाइंड करना ही इसको मैं पहले मिटा देता हूं इसके बाद इसी चीज को इसी वर्डिंग को एज इट इज कॉपी करेंगे लिख लेते हैं टू फाइंड करना है दो चीजें टू फाइंड करनी हमने दो चीजों को कैलकुलेट करना है नंबर वन फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फ्रिक्वेंसी एफ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है फर्स्ट पेरियोरिटी में और सेकेंड में हम लोगों ने कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कैपिटल टी से डिनोट करता है तो इसी तरीके से कैलकुलेशन में आते हैं कि कैलकुलेशन में एज वी नो दट कैलकुलेशन में एज वी नो दट एज वी नो दट हम लोग जानते हैं क्या जानते फ्रिक्वेंसी क्या था फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन था हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स था नंबर ऑफ वेव्स ठीक डिवाइडेड बाय पर सेकंड यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय टाइम लिखे तो इसी तरीके से जिसके मैं नंबर ऑफ वेव्स मैंने यहां पर लिखवाए थे तो नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं नंबर ऑफ वेव्स वन पर सेकेंड से मुरादे जो रिक्वायर्ड टाइम है हमारे पास फिफ्टीन 120 वेव्स हैं फिफ्टीन सेकंड में पास हो रहा है तो नंबर ऑफ विज पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम तो हमारे पास क्या होगी ये होगी तो फिफ्टी 15, 15 तो इसका आंसर आएगा यू कैन सी की वैल्यू होगी सो दिस इंप्लाइज दैट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू एट हर्ट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी एट हर्ट्स होगी इसी तरीके से ये कैलकुलेट कर चुके हैं इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड आप लोग जानते हैं टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग जानते हैं हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रीकवेंसी का जो टाइम पीरियड का टाइम पीरियड जो है फ्रीकवेंसी का इनवर्स द इनवर्स ऑफ फ्रिकवेंसी इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड तो फ्रीकवेंसी इज़ इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई फ्रीकवेंसी कितनी है एट हर्ट से आपने क्या काम करना है कैलकुलेटर के मदद से इसको डिवाइड करना है तो मेरे पास कैलकुलेटर है वन डिवाइडेड बाई एट तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट फाइव पॉइंट वन टू फाइव सेकेंड यानी इसका एक सेकेंड में जो वेव पास होगी वो कितना टाइम लेगी वो हमारे पास होगा पॉइंट वन टू फाइव सेकेंड्स दोबारा रिपीट करते हैं रिपल टेंक वन ट्वेंटी पास हो रहे हैं थ्रो अ पॉइंट इन फिफ्टीन सेकेंड यानी yani, एक सेक यानी yani फिफ्टीन सेकेंड में जो ट्वेंटी वन ट्वेंटी वेव्स पास हो रहे किसी पॉइंट से कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ डीज वेवस सो नंबर ऑफ वेब्स हमारे पास फिफ्टीन सेकेंड्स नंबर ऑफ वेब्स इन फिफ्टीन सेकेंड दैट इज़ वन ट्वेंटी कैलकुलेट करना तो डायरेक्ट उसने पूछा है कि फ्रिक्वेंसी और दूसरा हमारे पास टाइम पीरियड तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर लीजिए फ्रिक्वेंसी आप जानते हैं नंबर ऑफ साइकिल पासिंग थ्रू इन वन सेकेंड सो so, हमारे पास जो गिवन वन सेकेंड होंगी कितने नंबर ऑफ़ वेव्स है और डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम वो टेकन इसने दिया हुआ है वो हमारे पास 15 है 120 को 15 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगी इस फ्रिक्वेंसी की वो हैड हर्ट्स होगी सिमिलरली हमारे पास टाइम पीरियड है टाइम पीरियड में टी इज इक्वल टू वन अपन एफ यानी इनवर्स ऑफ फ्रिकवेंसी आल्सो कॉल टाइम पीरियड ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है इसका तो वन को डिवाइड करेंगे फ्रिक्वेंसी पे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा पॉइंट वन टू फाइव सेकेंड आएगा सो ये आ, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और एक ही क्लिक पे आप इन शाली घर में बैठ के आपके नूमेरिकल प्रॉब्लम जो ज़्यादातर थ्योरी में तो इधर उधर से आप तैयार कर लेते हो लेकिन अक्सर ओका तो हमारे स्टूडेंट का ये नूमेकल प्रॉब्लम में मसला होता है कि कौन सा फार्मूला लगता है डेटा किस तरह बनाया होता है और किस तरह कैलकुलेशन करनी है सो so, उम्मीद है आपको ईजी लगे लगेगा और आप लोगों का बहुत बेहद शुक्रिया जो मेरे चैनल को आप इतने वो यानी आप इतने जस्तजू से और इंटरेस्ट इंटरेस्ट से देख रहे हो थैंक यू सो मच